दोस्तों, मौसम के भयंकर रूप के चलते मौसम विभाग ने कई राज्यों में हाई अलर्ट और भयंकर बारिश आंधी तूफान की चेतावनी जारी कर दी है। वहीं कई राज्यों में बाढ़ के कारण भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो दोस्तों, अगर आप भारत के किसी भी गांव या राज्य में रहते हैं तो इस खबर को बिना भगाए एकदम आखिरी तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक भी कर दें और नीचे कमेंट करके अपने राज्य अपने गाँव का नाम जरूर लिखें ताकि आपके राज्य जिले और गाँव से जुड़े ताजा मौसम समाचार हम आपको लाकर देते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ आज के ताजा मौसम समाचार के इस वीडियो में। दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात, कोंकण और गोवा, डाक कर्नाटक, विदर्भ के कुछ हिस्सों, मराठवाड़ा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिण मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक या दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश के शेष हिस्सों, ओडिशा, गंगा, पश्चिम बंगाल, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, दिल्ली, एनसीआर और जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, झारखंड, शेष पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। वहीं दिल्ली में जहां बेसब्री से बारिश का इंतजार हो रहा है, वहीं मानसूनी बादल कई राज्यों में कहर बरपा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में श्री बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा के पास बादल फटने से हुई तबाही के बाद अमरनाथ यात्रा को रोका गया। अब तक बादल फटने से हुई तबाही में 15 लोगों की मौत हो गई और 40 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इधर हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। गुजरात और राजस्थान के कई जिलों में भी भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि दिल्ली में आज बारिश हो सकती है। उमस भरी गर्मी से बेहाल दिल्ली वासियों को आज राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार शाम से दिल्ली में बारिश हो सकती है। कई इलाकों में मध्यम स्तर की बारिश होने का पूर्वानुमान है। वहीं मौसम विभाग ने रविवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में दिल्ली वासियों का वीकेंड सुहावना होने की उम्मीद है। बता दें कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है। तापमान बढ़ने से लोग काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। दिल्ली और आसपास के राज्यों में काफी लोग वीकेंड में हिमाचल घूमने निकल जाते हैं। अगर आप भी ऐसे कोई प्लान बना रहे हैं तो मौसम विभाग की चेतावनी पढ़ लीजिए। मौसम विभाग ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों कांगड़ा, मंडी, सोलन व सिरमौर में भारी बारिश के साथ आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बाकी जिलों में आंधी व वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने मानसून के सक्रिय होने से सड़कें, रेल मार्ग बाधित होने की आशंका जताई है। यात्रियों और पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। दिल्ली के साथ साथ पंजाब के कई जिलों में भी कुछ दिनों से बारिश नहीं हुई है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को पंजाब में फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। मौसम विशेषज्ञों के कुछ स्थानों पर हल्की व कुछ जगह भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में पंजाब के लोगों के लिए वीकेंड के साथ साथ अगला सप्ताह भी राहत भरा होगा। जम्मू कश्मीर में मौसम कहर बरपा रहा है। बाबा अमरनाथ गुफा के नजदीक बादल फटने से 15 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस बीच मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन तक यहाँ वर्षा के आसार हैं। सप्ताह भर लगभग हर तीसरे दिन बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। इसके साथ ही उमस परेशान भी करेगी। ऐसे में बाबा बर्फानी की यात्रा के लिए गए श्रद्धालुओं के लिए आने वाले दिन मुश्किल भरे रहने वाले हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटों में कर्नाटक, दक्षिण गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, दक्षिण ओडिशा, दक्षिण छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि वे जरूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकले। इधर उत्तराखंड, केरल और उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश का अनुमान है। मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को कई राज्यों में अगले 5 दिनों में भारी वर्षा की भविष्यवाणी की है। चंडीगढ़ की बात करें तो 1 जुलाई को मानसून ने शहर में दस्तक दी थी। बीते 8 दिनों में दिन शहर में इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में भारी से अत्यधिक वर्षा होने की संभावना है। 3 दिनों तक गरज के साथ बारिश होने की भी आशंका है। पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चंडीगढ़ में सुबह से ही मौसम खराब बना हुआ है और शहर के कुछ हिस्सों में सुबह से हल्की बारिश भी हो रही है। वहीं मोहाली के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। पंचकुला में भी बारिश के आसार बने हुए हैं। बीते कल दिन भर शहर में बादल छाए रहे, हल्की बूंदाबांदी भी हुई, लेकिन आज मौसम विभाग ने जोरदार बारिश के आसार जताए हैं। बता दें कि चंडीगढ़ में मानसून के आने के बाद से 250 mm से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। चंडीगढ़ की लाइफलाइन सुखना लेक भी पानी से लबालब है। ऐसे में अगर आज बारिश होती है तो तेज बरसात के बाद सुखना लेक के फ्लड गेट खोलने की नौबत आ सकती है। चंडीगढ़ में सुहावने मौसम का मजा लेने के लिए लोग शहर के पर्यटन स्थलों पर पहुंच रहे हैं। आज वीकेंड है, ऐसे में ज्यादातर कार्यालय में आज छुट्टी होने के साथ सुहावने मौसम का आनंद लेने के लिए लोग सुखना लेक, रॉक गार्डन और बर्ड पार्क जैसे पर्यटन स्थलों का रुख करेंगे। शुक्रवार को दिन भर कड़ी धूप ने फिर से मौसम ने करवट लेने की आहट दे दी है। रात में ही तापमान बढ़ने से उमस के साथ गर्मी ने अपने तेवर दिखाए। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 सप्ताह तक पूर्वी उत्तर प्रदेश धूप और बादली का खेल जारी रहेगा। इस दौरान उमस भरी गर्मी बढ़ेगी, बारिश के आसार नहीं है। हालांकि पश्चिमी जिलों में अगले 2 दिनों में भारी बारिश की उम्मीद है। इससे यहां अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर JP गुप्ता के अनुसार टर्फ लाइन मध्य भारत की ओर से होकर गुजर रही है। इस वजह से आगामी 1 सप्ताह तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं दिख रही है। धूप और छांव का खेल जारी रहेगा, इस दौरान गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। हालांकि प्रयागराज और आसपास के जिलों में मानसून का आगाज तो हो चुका है,
लेकिन इस पर अपेक्षा के अनुरूप बारिश नहीं हो रही है। अगर लखनऊ की बात करें तो शुक्रवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश भर में सबसे अधिक तापमान सुल्तानपुर में 41.0 डिग्री और हमीरपुर में 40.2 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम तापमान झांसी में 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगले दो दिनों तक लखनऊ और आसपास के जिलों में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक रहने के आसार है। शुक्रवार को दिनभर कड़ी धूप से लोग परेशान रहे। बिहार में मानसून की शुरुआत बेहद निराशजनक रही है। राज्य के उत्तरी और पूर्वी सीमावर्ती जिलों को छोड़ दें तो मानसून के दौरान ढंग की बारिश अब तक नहीं हुई है। इसका नतीजा सामान्य जनजीवन के साथ ही खेती पर भी पड़ा है। राज्य में धान के रोपनी बुरी तरह पिछड़ रही है। वहीं तापमान में लगातार वृद्धि से लोगों को अलग दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को इंतजार है कि उनके जिले में बारिश आखिरी कब होगी। पटना में मौसम विज्ञान केंद्र ने इस बारे में विस्तृत पूर्वानुमान जारी किया है। इससे आपको पता चलेगा कि अगले एक सप्ताह के दौरान बिहार में मौसम कैसा रहने वाला है। मौसम विज्ञान के मुताबिक शनिवार को उत्तर बिहार के किशनगंज, सीतामढ़ी, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में वर्षा का पूर्वानुमान है, जबकि पटना व इसके आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने के आसार हैं। प्रदेश में अच्छी वर्षा नहीं होने के कारण तापमान में भी वृद्धि हो रही है। 12 जुलाई तक प्रदेश में भारी वर्षा को लेकर कोई चेतावनी मौसम विज्ञान की ओर से जारी नहीं की गई है। इसका सीधा मतलब है कि बिहार के बाकी जिलों में बारिश के लिए लोगों को अभी इंतजार करना होगा। हिमाचल प्रदेश में आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार दो दिनों के दौरान प्रदेश के चार जिलों कांगड़ा, मंडी, सोलन व सिरमौर में भारी बारिश के साथ आंधी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि बाकी जिलों में आंधी व वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। जिला कांगड़ा में प्रशासन ने विशेष तौर पर एडवाइजरी जारी की है। भारी बारिश से किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है। प्रदेश में हो रही बारिश में जारी भूस्खलन के कारण 10 मकानों को नुकसान हुआ है, जबकि 8 गौशालों को नुकसान पहुंचा है। इनमें 5 मंडी में मिल बिलासपुर, चंबा व सोलन में एक एक मकान को नुकसान पहुंचा है। शुक्रवार को कई स्थानों में बारिश, जबकि कई स्थानों पर धूप खिली रही और दोपहर बाद बादल छा गए। मौसम विभाग ने मानसून के सक्रिय होने से सड़कों, रेलवे के बंद होने से यात्रियों, पर्यटकों और जनता को परेशानी होने की आशंका जताई है। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान मंडी में 52.2, कांगड़ा में 49, जबकि सराहन में 5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। बिलासपुर जिले के कुहम झवाड़ पंचायत के भगोटा गांव में शुक्रवार को बादल फटने से तबाही का मंजर देखने को मिला। यहां शुक्रवार सुबह करीब 3:30 पर बादल फटा और साथ लगते नाले का जलस्तर बढ़ गया, जिस कारण मकान, पशुशालाएं, वाहन व मवेशी बह गए। इस बड़ी घटना से गांव के 3 परिवारों को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा है। गंडक की सूचना मिलते ही प्रशासन में मंत्री राजेंद्र गर्ग व सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुभाष ठाकुर मौके पर पहुंचे और उन्होंने लोगों का हाल जाना। प्रशासन का कहना है कि घटना में करीब 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। देहरादून, हरिद्वार समेत अन्य कई जिलों में भी भारी वर्षा की आशंका है। मौसम विभाग ने नदी नालों से दूर रहने और पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। पौड़ी और नैनीताल में अत्यंत भारी वर्षा को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। अमरनाथ में बादल फटने की घटना को देखते हुए उत्तराखंड में भी शासन सतर्क हो गया है। राज्य में अगले 3 दिन भारी वर्षा के पूर्वानुमान को देखते हुए शासन ने अलर्ट जारी किया है। अपर सचिव आपदा प्रबंधन आनंद श्रीवास्तव के अनुसार सभी जिलों के जिला अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा गया है। मानसून का वास्तविक प्रभाव दिखाई देने का समय अवश्य आ चुका है, लेकिन हरियाणा में उम्मीद के मुताबिक बरसात नहीं हो रही है। इससे जहां उमस की स्थिति बनी है, वहीं मौसमी पूर्वानुमान को लेकर सवाल उठ रहे हैं। शनिवार को भी छिटपुट बारिश जारी रहने की संभावना जारी की गई है। फिलहाल आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इस बीच मौजूदा दौर से तापमान में उतार चढ़ाव का दौर भी देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बरसात का दौर जारी है, लेकिन करनाल में इंद्रदेव लगातार रूठे हुए हैं। यहां लोगों का उमस और गर्मी से बुरा हाल है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान में लगातार यहां बारिश की संभावना जताई जा रही है, लेकिन अभी तक इसका प्रभाव यहां देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं देश के अन्य भागों की बात करें तो मध्य भारत और पश्चिमी तट पर मानसून की सक्रियता की स्थिति अगले कुछ दिन यथावत जारी रहने की संभावना है। शनिवार और रविवार के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा में वृद्धि की संभावना है। इस बीच सौराष्ट्र में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा हुई है। कच्छ तटीय कर्नाटक और कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गुजरात क्षेत्र, नागालैंड और मिजोरम, असम, केरल और माहे, तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र, कर्नाटक और पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, विदर्भ में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा का दौर जारी है। इसी क्रम में अगले 4 दिन तक उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह गरज या बिजली के साथ बिखरी हुई बारिश की गतिविधियां बनी रहने के आसार हैं, जबकि इसी दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में भी कहीं छिटपुट तो कहीं व्यापक वर्षा गतिविधियां बनी रह सकती है। 10 जुलाई को इसका अधिकतम तीव्रता के साथ प्रभाव नजर आने की संभावना है। शनिवार से सोमवार तक पंजाब में अलग अलग भारी वर्षा की संभावना है। इस अवधि में हरियाणा व चंडीगढ़ रविवार को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान तथा अगले सप्ताह सोमवार और मंगलवार को पूर्वी राजस्थान में अच्छी बारिश हो सकती है। अब 2 दिन तक उत्तरी पंजाब सहित उत्तरी हरियाणा, चंडीगढ़ व पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में अलग अलग जगह बहुत भारी वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक 9 से 11 जुलाई के दौरान तेज हवाओं व गरज चमक के साथ राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में बारिश की संभावना बन रही है। तो दोस्तों, आज के मौसम समाचार में बस इतना ही। ऐसे ही ताजा और सटीक मौसम समाचार अपने मोबाइल पर फ्री में पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बगल में घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दे। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इन खबरों के बारे में सबको पता चल सके। धन्यवाद।